नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट। शोएब मलिक और सानिया मिर्जा का डिवोर्स हो चुका है। शोएब मलिक अपनी तीसरी शादी कर चुके हैं। सानिया मिर्जा अपने बेटे अब्राम के साथ अब अलग जिंदगी जी रही हैं। लेकिन इस तलाक के बाद एक सवाल आप लोगों के ध्यान में जरूर आता होगा कि जब शोएब मलिक और सानिया मिर्जा का तलाक हुआ है तो फिर भाई साहब सानिया मिर्जा को तलाक के बाद गुजारा भत्ता के तौर पर कितनी रकम मिली, शोएब मलिक ने कितने पैसे सानिया मिर्जा को दिए हैं, यह सवाल आप लोगों के जहन में जरूर आता होगा। तो चलिए, जो मीडिया रिपोर्ट्स की खबर सामने आई है उस खबर के आधार पर आप लोगों को बताएंगे कि आखिर कितनी रकम शोएब मलिक ने सानिया मिर्जा को गुजारा भत्ता के तौर पर दिए, क्योंकि यह बड़ा चर्चित तलाक हुआ है। बड़ी चर्चा है दोनों की हो रही है, क्योंकि एक भारत का और पाकिस्तान दोनों मुल्कों के रिश्ते थे आपस में। बड़ी चर्चा उस वक्त हुई थी जब शोएब मलिक और सानिया मिर्जा की शादी हुई थी, उसके बाद भी बड़ी चर्चा हुई थी। लेकिन अब जब दोनों का तलाक हो चुका है, दोनों अलग हो चुके हैं, तो चर्चा यह है कि आखिर कितनी रकम दी गई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल इसके लेकर एक मीडिया रिपोर्ट सामने आई। मीडिया रिपोर्ट यह है कि शोएब मलिक ने जब उनकी पहले पत्नी का तलाक हुआ था उस वक्त शोएब मलिक ने उनको 10 करोड़ से ज्यादा की रकम दी थी, 13-14 करोड़ के आसपास की मीडिया रिपोर्ट में खबर है कि शोएब मलिक ने अपनी पत्नी को दिए थे, पहले जो पत्नी थी। उसके बाद में अब सानिया मिर्जा से तलाक होगा, जाहिर तौर पर वो तो बात 10 साल पहले है, 10 साल पहले है, तो अब तो जमाना बदल गया। तो सानिया मिर्जा से तलाक होगा तो जाहिर तौर पर रकम दुगनी तिगनी हो जाएगी, ये बात सीधी सीधी सी है। लेकिन शोएब मलिक और सानिया मिर्जा की जिस वक्त शादी हुई थी उस वक्त मुस्लिम धर्म में एक प्रथा होती है मेहर देने की। तो शोएब मलिक ने सानिया मिर्जा को 61 लाख रुपए मेहर के तौर पर दिए थे। अब मेहर क्या होती है, यह सवाल भी आप लोगों के जहन में होगा, तो मैं आपको बता देता हूं। मेहर वो चीज होती है जब मुस्लिम धर्म में शादी होती है तो लड़का पक्ष लड़की पक्ष को कुछ रकम देता है, ताकि अगर लड़का लड़की को छोड़ दे या फिर कुछ लड़के को हो जाए, उसकी डेथ हो जाए, तो उस कंडीशन में लड़की उस पैसे से, उस रकम से अपना खर्चा चला सकती है। तो ये जो मेहर होती है, ये एक तरीके से कह सकते हैं कि गुजारा भत्ता होता है। तो 61 लाख रुपए शोएब मलिक पहले ही शादी के वक्त सानिया मिर्जा को दे चुके थे। अब सवाल खड़ा होता है यहां पर एक चीज और भी, कि आखिर दोनों कितने अमीर हैं, दोनों के पास रकम कितनी है, दोनों के पास नेटवर्थ कितनी है। तो जो खबर सामने आई है वो ये है कि शोएब मलिक भी लगभग 225 अमेरिकी डॉलर के मालिक हैं। उनके पास गाड़ियां भी हैं अपने, कुछ अच्छा, मतलब सब कुछ ठीक ठाक है उनका। शोएब मलिक का पुराने खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के। तो सानिया मिर्जा भी भारत की बड़ी खिलाड़ी हैं, और सानिया मिर्जा को भी भारत में दुनिया भर के एड्स मिलते हैं, बहुत पैसा उन्होंने इस खेल से कमाया है। और खबर यह है कि सानिया मिर्जा की नेटवर्थ भी 200 अमेरिकी डॉलर है। तो मतलब लगभग लगभग दोनों जो है वो बराबर है। अब अभी तक जो खबर हाथ लगी है वो ये है कि कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट शोएब मलिक और सानिया मिर्जा के गुजारा भत्ता को लेकर नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि दोनों का दुबई में अपना एक घर है, और खबर यह है कि वो दुबई का वाला जो घर है वो सानिया मिर्जा पर रहेगा। और शर्त यह रखी गई है कि सानिया मिर्जा के पास ही उनका बेटा रहेगा, और उस बेटे का खर्चा दोनों मिलकर उठाएंगे। मतलब उसकी परवरिश जो होगी वो सानिया मिर्जा और शोएब मलिक दोनों मिलकर करेंगे, और दुबई वाला घर सानिया मिर्जा के पास ही रहेगा। तो जाहिर तौर पर अभी तक ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, शोएब मलिक ने सानिया मिर्जा को गुजारा भत्ता के तौर पर इतनी रकम दी है। लेकिन हाँ, जैसे कि मीडिया की खबरें हैं कि 61 लाख रुपए पहले उनको मेहर के तौर पर दिए गए थे, और दुबई वाला घर सानिया मिर्जा के पास रहने वाला है। वैसे भी सानिया मिर्जा को पैसे की जरूरत नहीं, क्योंकि वो शोएब मलिक के बराबर ही अमीर हैं। ऐसा नहीं है कि सानिया मिर्जा गरीब है और उनको उनका खर्चा नहीं चलेगा। तो सानिया मिर्जा भी उनके बराबर ही अमीर है, उतनी ही मालामाल है वो भी। तो इसलिए अभी तक इसका कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तो आपका क्या मानना है, क्या आपको लगता है कि सानिया मिर्जा शोएब मलिक से गुजारा भत्ता लेंगी, और अगर हाँ तो शोएब मलिक को कितना रकम देनी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।